अच्छा दोस्तों, ये एक यही बात जो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं इतने सालों से कह रहा हूं, लेकिन हर समय पाकिस्तानियों ने बोला भारत ने साजिश कर दी, भारत ने साथ, उनको एक साजिश का पता नहीं यहां पे क्या कुछ हार्डवायर हो रखा है दिमाग में, और उनको हर चीज लगती है कि भारत ने करी है। वो खुद की नालायकी छुपाने का भी एक तरीका है। ये देखिए, ये खबर है जो आपके स्क्रीन पे चल रही है, जो चाइना का एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उसका नाम है एम्बेसडर नॉन्ग रोंग उसका नाम है एम्बेसडर का। ये एम्बेसडर ने, इसने बात करी पाकिस्तानियों से, एक मीटिंग हुई इनकी खास इस्लामाबाद में, मैं आपको बताता हूं। और ये जो मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, इन्होंने दो तीन चीजें बताई हैं इसमें। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खास आदमी ने, मैं आगे आपको तफसील से बताऊंगा, वो मीटिंग करा साहब, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। नॉन्ग रोंग ने पाकिस्तानियों को दो तीन बातें बोली। एक तो बोला कि तुम लोग निठल्ले और नालायक हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। उसने पोलाइट डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में यही बात बोली है। क्या यही बात बोली है उसने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कि तुम लोग नालायक हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। दूसरी चीज, तुम लोग हमारी सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर सकते। हम लोग यहां पर डेली मारे जा रहे हैं, चाइनीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं, कभी कहीं पर अटैक होता है, कहीं पर अटैक होता है, तुम लोग हमारी सेफ्टी गारंटी नहीं कर पा रहे। तीसरी चीज, ओ भाई, जो हमने प्रोजेक्ट अप्रूव करे थे उनका हुआ क्या? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की चाइना कब से बात कर रहा है? तो इमरान खान ने आते ही रोक दिया सब कुछ, ठीक है। और एक हिसाब से इमरान खान, मैं इस बात पे इमरान खान को सपोर्ट करूंगा। देखिए, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इनको, पाकिस्तानियों को मैं आपको बताता हूं, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं दोस्तों, फिर मैं दूसरी खबर पर जाऊंगा। पाकिस्तानियों को एक झूठ बेचा गया, जैसे पाकिस्तान खुद एक झूठ बेचा गया पाकिस्तानियों को, वो मुल्क पूरा का पूरा, उसी तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक झूठ बेचा गया। इसको एक दशक से ऊपर हो गया, आज तक इस पेड़ में फल नहीं लगे, लेकिन पाकिस्तानियों को बोला यार ये गेम चेंजर है। एक बार सीपैक आ गया, फिर देखना इंडिया पीछे रह जाएगा। इंडिया पीछे रह जाएगा। ओ भाई साहब, बाहर के लोग आएंगे पाकिस्तान की नागरिकता मांगने के लिए, शहरियत मांगने के लिए, सिटीजनशिप मांगने के लिए। जो पाकिस्तान के एम्बेसी है वहां पे गोरों की लंबी लंबी कतारें लगी होंगी कि जनाब प्लीज, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान में आने दें आप, प्लीज, पाकिस्तान वो जमीन, यहां की मिट्टी बड़ी जरखेज है, जहां पे 12 किस्म के मौसम है साहब, जिसका बॉर्डर जर्मनी और जापान से मिलता है वो पाकिस्तान, जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं वो पाकिस्तान। और ये सब इन्होंने ड्रामा करा, सीपैक हो गया फ्लॉप, और पाकिस्तानियों ने बोला इंडिया की साजिश है, इंडिया चाहता ही नहीं किसी पैक को। तो हमने क्या, अरे इंडिया, इंडिया के चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? इंडिया नहीं चाहता, आप चाहते हो। ये जो नॉन्ग रोंग है, ये जो इसका नाम ही ऐसा है कि नॉन्ग रोंग मतलब ये गलत काम कर ही नहीं सकता, ही कैनॉट बी रोंग। नॉन्ग रोंग क्या कहता है? चाइनीज एम्बेसडर ये कहता है कि भैया तुम लोगों को हमने जो चीजें बोली वो तुमने करी नहीं, ठीक है, जो हमने टारगेट दिए वो तुमने टारगेट मीट नहीं करे। You have done nothing for China Pakistan economic corridor। मैं बता रहा हूं एक और चीज, इन लोगों ने पैसे भी खा लिए, इन्होंने 25-26 अरब डॉलर गड़क लिए चाइना पाकिस्तान, इन्होंने चाइनीज को चूना लगा दिया पाकिस्तानी। ओ भाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे को तो नहीं लगा, चाइनीज को चूना लगाया, जो दुनिया को चूना लगाते हैं, पाकिस्तानियों ने उसकी जेब काट ली, 24-25 अरब डॉलर लेके फुर हो गए। अच्छा, ये जो है चाइनीज एम्बेसडर कहता है अनहेल्पफुल बिहेवियर ऑफ द कंट्रीज पावर रेगुलेटर टुवर्ड्स चाइनीज कंपनीज, ठीक है, जो पावर रेगुलेटर है जो बिजली का वितरण करते हैं, वो उनका अनहेल्पफुल बिहेवियर, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे चाइनीज। मुझे लगा गवर्नमेंट पावर रेगुलेटर। दूसरी चीज है कि उसने बोला कि डिले इन पेमेंट टू द इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स एंड राइजिंग एक्सचेंज रेट। तो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं जो चाइना ने लगाए हैं, वो बिजली सप्लाई करते हैं, उनको पेमेंट नहीं आती। यानी कि चीनी कह रहे हैं कि भाई हमने धंधा खोला है, हमें पैसा तो दो जो हमने तुम्हें सेल कराया। पाकिस्तानी कहता है इल्ले, तो भाई हमने हाँ बोला, तुमने वहां पे प्लांट लगाया, हमने हाँ बोला, तुमने बिजली बनाई, हमने हाँ बोला, तुमने लोगों के घर भेजी, हमने हाँ बोला, अब जब तुम पैसे मांग रहे हो हमने हाँ बोला, इतनी बार हाँ बोल दिया एक आध ना, तो तुम भी कोऑपरेट करो यार। ये पाकिस्तानियों का लॉजिक है कि हर चीज में हाँ बोला, अब तुम पैसे भी मांग रहे हो, ये सब नहीं होगा, तो पाकिस्तानियों ने उनके पैसे नहीं दिए। अब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रुक रखा है। इमरान खान का ये कहना था कि ये स्कैम है, ये तो डाका है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इमरान खान खुद कई बार, इमरान खान कह चुका है कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मामला जो है बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये
बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये पाकिस्तान को ले डूबेगा। इमरान और इमरान खान जब 3.5-4 साल प्रधानमंत्री था उसने एक्चुअली ताला लगा रखा था इस पे, लेकिन अब ये शहबाज शरीफ लोग आ गए, अब लंदन में एक और फ्लैट चाहिए होगा तो इन्होंने फिर से चाबी लगाई है। चाइना इनसे बड़ा गुस्सा है। खास तौर से अगर आप देखें बलोचिस्तान में जो हकदो तहरीक है वो वहां के लोगों की राइट्स के लिए, वहां के हुकूक जो लोगों के मारे जा रहे हैं खासतौर से चाइनीज की तरफ से, उसके खिलाफ हकदो तहरीक खड़ी हो गई है वहां पे। और वो कह रहे हैं कि साहब हमें ना ये जो शहद से मीठी और आसमान से ऊंची और ये सब जो तुम लोग झूठ बोलते हो इस चीज को लेकर कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है भाई, ये लुटेरों का गिरोह इनको दूर करो। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर खटाई में पड़ गया और ऑफिशियली चाइनीज एम्बेसडर ने बोला कि यार तुम लोग नालायक तो हो ही, तुम चोर तो हो ही और तुम ऊपर से काम भी नहीं करना चाहते, आलसी भी हो। तो उन्होंने हर तरीके से लताड़ा है पाकिस्तानियों को अच्छे तरीके से। और जो पाकिस्तानी कहते हैं कि ये टीचर बनके डांट खा, इंडिया की साजिश है, देख लो तुम्हारे दोस्त हैं जो नोंग रोंग जो है जिसका नाम, वो दोस्त तुम्हारा क्या कह रहा है तुम्हें। दोस्तों हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फवाद चौधरी उर्फ डब्बू जी, डब्बू जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में। उसने बोला कि यार ये लोग तो समझते ही नहीं है, ये लोग तो समझते ही नहीं हैं जो अभी करंट सेटअप है, भुट्टो जरदारी बिलावल और ये सब लोग, दे डोंट अंडरस्टैंड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को सिर्फ खान समझता है और अफगान सिर्फ खान की इज्जत करता है और किसी की इज्जत नहीं करता। जो अफगानिस्तान में जो अफगान बैठा है या जो तालिबान की रजीम बैठी है वो सिर्फ इमरान खान की इज्जत करती है। ये जो हमारी पूरी पॉलिसी है हमने जो बनाई थी जिससे अमन और शांति थी पाकिस्तान में, तालिबान अटैक नहीं कर रहा था, ये खान की वजह से अटैक नहीं कर रहा था, ये चूरन बेचा है अपने जो इसके अनपढ़ टाइप के है ना 18-19-20-23 साल के लौंडे लफाड़े जो हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं ट्विटर पे, ये उनके लिए ज्ञान बांट रहा है। ओ भाई साहब 15 अगस्त को तालिबान आया, ठीक है 15 अगस्त को तालिबान आया, 16 अगस्त को उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को जेल से छोड़ दिया। इमरान खान की सरकार कब गिरी आप बताइए, अप्रैल में चला गया इमरान खान, गिरी थी अप्रैल में चला गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर के बाद तो वैसे ही हमले शुरू हो गए थे पाकिस्तान में, जबरदस्त किस्म के हमले शुरू हो गए थे। तो ये सब झूठ कि हमारी पॉलिसी, इनकी मैं बता रहा हूं कोई पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई पॉलिसी नहीं है, बस मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं ये चीफ मिनिस्टर बन जाए बस यही इनकी पॉलिसी है, कोई पॉलिसी नहीं है। उन्होंने सब झूठ बोल रखा और अफगान इनसे शदीद नफरत करते हैं, ये मैं आपको आज ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि जो अफगान है, आप तालिबान को छोड़ देना, तहरीक तालिबान को छोड़ दें वो तो आम है, उनके पास तो हथियार है, जो नॉर्मल अफगान किसान है, जो दुकानदार है, ठीक है, जिसकी मिठाई की दुकान है, जिसकी खाने की दुकान, तालिबान भी करते हैं, मैंने टिकटॉक देखा था, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, टिकटॉक तालिबान की कोई था जिसने टिकटॉक बनाया हुआ है। और ये बात ये लोग रियलाइज नहीं कर रहे, हमारी अफगान पॉलिसी, तुम्हारी तो अफगान पॉलिसी घुस गई है और इतनी बुरी घुस गई है कि ये तुम्हें अंदर घुस घुस के मार रहे हैं। और जब इमरान खान था तब भी घुस के मारते थे, इतने समय शांति क्यों रही? इमरान खान का जो मैक्सिमम पीरियड था प्राइम मिनिस्टर, जिसकी ये गवाही दे रहे हैं कि साहब इमरान खान के समय बड़ी शांति थी, क्यों थी? क्योंकि वहां पे अमेरिकन थे, वहां पे तालिबान थे ही नहीं, अमेरिकन ने तालिबान के ऊपर दबाव डाल रखा था। अगर शहबाज शरीफ होता पावर पे उस वक्त और वहां पे फिर अमेरिकन होते काबुल में तो फिर शांति होती, कंट्रोल करा था पाकिस्तान के ऊपर। जो शांति हुई है ज्यादातर जो शांति हुई है इसलिए क्योंकि अमेरिकन ने दबाव बना रखा था वहां पे, इट वॉज बिकॉज ऑफ द अमेरिकन, इनको बड़ा मजा आया अमेरिकन को हम ये कर देंगे, वो चले गए, फिर हमारे मुसलमान भाई और मुसलमान भाइयों ने इनका कीमा बना दिया बुरी तरीके से और मार मार के दुम्बा बना दिया इन लोगों का, बड़े खुश हो रहे थे, ठीक है। अब इनकी ये नजरें चुराते चुराते भाग रहे हैं सब, ये खान की पॉलिसीज की, किसी की कोई कक पॉलिसी नहीं, इनको समझ ही नहीं है पॉलिसी की, अनपढ़ लोग हैं, ठीक है। और पावर में आके पैसे बनाएं, अपने पैसे बना बुनू के बाहर की जगहों पे जो है घर वर खरीदे, उसके बाद रिटायरमेंट में हमारे वो जगहें हैं जहां हम सेटल होंगे, बच्चों को पहले ही भेज देते हैं वहीं पढ़ाते हैं लिखाते हैं, वो वहां सेटल होते हैं, फिर कहते हैं रिटायरमेंट के टाइम बच्चे हमारे तो गए हुए हैं अब हम भी जा रहे हैं टट्टा बाय बाय। और इनके जो पाकिस्तानी आवाम है वो उल्लू बन रही है और बनती रहेगी, राइट। मतलब पहला पॉइंट वो यही फोकस कर रहे थे सीपैक के ऊपर कि सीपैक जो है सब बेसिकली बकवास है, फ्रॉड है, लोगों को कहा था कि उससे बहुत प्रॉफिट होगा मगर। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।